भगत नामदेव जी नूं उहनां दे पवित्र प्रकाश दिवस नूं समर्पित अज इह जिहड़ी अपने सरां दा इत्थे जिहड़ा उह अज टक लाया गया इहदे विच 91 कमरे ते 7 हाल बन गए और मैं समझदा बहुत वड्डी इह सेवा आ ते बाबा जी ने इह वी वचन कीता भई साल तों पहलां कंप्लीट कर देणी आ ते मैं समझदा इहनां महापुरशां दा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी देणा नहीं दे सकदी क्योंकि जिड़े बड़े कार्ज ये सारे आ इस धरती ते कर रहे सारे ताकतां ते कर रहे ते अचेचे तौर ते सचखंड श्री दरबार साहब जी नाल संबंधित मैं समुचे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहबाना वालों अहुदेदार साहबाना वालों सचखंड श्री दरबार साहब जी के समुचे प्रबंध वालों बाबा जी का दिल दियां डगियाइयां तो धन्नवाद करदा नमस्कार करदा गुरु साहब जी ये जिहड़ियां सेवावां तुहाडी कृपा ते बख्शिश तो बगैर नहीं हुंदियां ये महापुरश साडे अकाल पुरख की कृपा ना कार सेवा दे थामे आ और इहो कारण आ कि सतगुरु जी हरेक औखे समय दे विच भी सौखे समय दे विच भी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे नाल हमेशा ही अपनी वचनबद्धता जिहड़ी उह रखदे आ बहुत बहुत धन्नवाद। देखो ये 3 सरावां एक पहला चल रही आ बीबी जी बेले दी एक अगे 10 दिन पहला नींह पत्थर रखिया सी एक आ नींह पत्थर रखिया क्योंकि सरावां तां भावां असीं बहुत ज्यादा होर भी बना लईए एक साडी गल चल रही आ सरदार सरमन सिंह कलार साडे च खड़े आ एक असीं सब कमेटी बनाई सी जिहड़ी इत्थे एक जमीन विकदी आ उहदे नाल मेरा ख्याल लगभग इहनां दा सौदा भी तय हो गया उह तकरीबन 950 गज ते जे उह सानूं मिल गई बाबा जी दे चरणां च फिर असीं आ के बेनती कर देणी ते गुरु साहिब कृपा करन इह सारा संगतां दी सहूलतां लई आ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯਾਤਰੂਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਪਿੱਛੇ ਬਾਕ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਚੇਤਰੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਰਹਿਸ਼ ਯਾਤਰੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਬੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਇਲਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕਾਮਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੈਫੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਚਾਹ ਕਾਫੀ ਵੀ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਂ ਆ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਬਣੇਗੀ।